हेलो दोस्तों, बर्ड जोल ढाबा के नया वीडियो में आप सभी को करते हैं बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मेरा बर्ड अंडा नहीं दे रहा है, इनफर्टाइल एग हो रहा है, स्मॉल एग हो रहा है, बर्ड्स का डाइट क्या है, सेपरेट या कॉलोनी केज में अच्छा रहता है, ऐसे ही 10 इन एसेंशियल क्वेश्चन लेके आज का जो वीडियो है। और जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ आज डिस्कस करूँगा तो ये ज़्यादातर मेरे व्हाट्सएप में या मेरे फेसबुक पेज में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए ये वीडियो लाना। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फिंचेस को लेके 10 एसेंशियल क्वेश्चन आज डिस्कस होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोगों को कौन सा एज का बर्ड खरीदना चाहिए फिंचेस में? तो हम बोलना चाहते हैं हम लोगों को सेमी एडल्ट या न्यू एडल्ट बर्ड हम लोगों को खरीदना चाहिए, ठीक है। और सेल्फ फिट बच्चे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, मगर बहुत पुराना एडल्ट बर्ड कभी भी मत खरीदना, क्योंकि उसमें बहुत बीमारी रहता है, बहुत प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो होगा ही होगा, मगर चांसेस रहता है, ज़्यादातर 90% केसों में चांसेस रहता है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है जो मेरा बर्ड अंडा नहीं दे रहा है। बहुत सारे दोस्तों का यही है कि प्रॉब्लम है, मेरा बर्ड अंडा नहीं दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक हो सकता है आपका बर्ड अंडर एज में आप ब्रीडिंग में लगा दिए हो तो इसीलिए अंडा नहीं दे रहा है, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा बर्ड डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए भी हो सकता है, अच्छा नेस्टिंग नहीं बना पा रहा है, आप नेस्टिंग मटेरियल अच्छा नहीं दिए हो तो इसलिए भी हो सकता है। अगर आपका बर्ड का डाइट अच्छा है, विटामिन कैल्शियम का कोर्स अप करा चुके हो और आपका बर्ड का एज हो चुका है तो आपका बर्ड ज़रूर एक देगा, आप सब्र कीजिए, आपका बर्ड ज़रूर एक देगा। थर्ड क्वेश्चन है, मेरा बर्ड्स एक दे रहा है मगर फर्टाइल नहीं हो रहा है, इनफर्टाइल एक दे रहा है, एक से बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें दो प्रॉब्लम आता है, एक होता है अनफर्टाइल एग और एक होता है डेड इन सेल। डेड इन सेल होता है जो एग में बच्चे हो रहे हैं मगर बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, और जो अनफर्टाइल एग है उसमें बच्चे नहीं हो रहा है, सिर्फ एग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा मेल फीमेल सही है या नहीं। अगर मेल फीमेल सही रहता है तो अगर आपके बर्ड्स का जो पेयर है उसको अच्छे से मल्टीविटामिन और कैल्शियम का कोर्स कराना होगा। अगर आप सिर्फ सीड्स के ऊपर रखते हो तो बर्ड्स को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना होता है अगर आप सिर्फ सीड्स के ऊपर रखते हो तो। इसीलिए साग पत्ता, विटामिन ई रहता है, ऐसा कुछ फूड आप दीजिए, अंडे दीजिए सॉफ्ट फूड में, ठीक है। ये देने से आपके इनफर्टाइल एग्स प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आता है स्मॉल एग्स, मेरा बर्ड स्मॉल एग्स लेकर रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन ये है, आपका बर्ड्स को कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो रहा है, आप कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ कीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है डाइट ऑफ फिंचेस, फिंचेस का डाइट क्या क्या है, ठीक है। तो फिंचेस का डाइट में आप स्मॉल कग्नी दे दो सीड्स में, अगर जेब्रा फिंच पाल रहे हो, सिर्फ मैं जेब्रा फिंच का बोल रहा हूँ, आप स्मॉल कग्नी सिर्फ सीड्स में यूज़ कीजिए। इसके अलावा हर रोज़ कोई ना कोई सॉफ्ट फूड यूज़ कीजिए, बॉयल्ड राइस हो सकता है, शीरा हो सकता है, एक बिस्किट हो सकता है, हाँ मारी जो बिस्कुट होता है उसको क्रश करके आप एक के साथ एक को भी क्रश करके आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसे करके उस दिन आप वेजिटेबल दे सकते हो। यही है फिंचेस का डाइट, उतना ज़्यादा कठिन डाइट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डाइट है। इसके बाद जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यह है आपका सेपरेट केज या कॉलोनी में ब्रीड कराना फिंचेस के लिए अच्छा है। मेरा राय है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है, कोई भी बर्ड आप अगर सेपरेट केज में ब्रीड लेते हो तो उसका ब्रीडिंग रेशियो कॉलोनी से बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। कॉलोनी में फिंचेस का ब्रीड नहीं होता ये भी सही नहीं है, मगर कॉलोनी में बहुत कम आपको ब्रीड मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से अगर ब्रीड आप ज़्यादा पालना चाहते हो बिजनेस पर्पस अगर फिंचेस कर रहे हो तो प्लीज़ आप सेपरेट केज में करने का कोशिश कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसके बाद जो आता है केज साइज क्या है, बर्ड्स का केज साइज मिनिमम जो साइज है 1 फीट बाई 1 फीट, डेप्थ होगा 1.5 फीट, हाइट और लेंथ होगा 1 फीट बाई 1 फीट, और जो डेप्थ होगा ये होगा 1.5 फीट, ठीक है। यह केज साइज। बेस्ट कैल्शियम क्या है? बेस्ट कैल्शियम में आप ऑस्टोबेट यूज़ कर सकते हो, आप कैडिसोल डीसी यूज़ कर सकते हो, आप मैकालफेट यूज़ कर सकते हो, कोई भी कैल्शियम जो मार्केट में मिलता है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट मल्टीविटामिन क्या है? बेस्ट मल्टीविटामिन में आप भाई मिनरल भी यूज़ कर सकते हो, आप रिकोविट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, मेरा बर्ड्स अपने बेबी को किल कर रहा है,
एक दो दिन के बाद बर्ड्स मर रहा है। दोस्तों वो खुद के बेबी को मारता नहीं है, अगर मारता है तो उसका कुछ रीज़न होगा। अगर बर्ड डर जाता है तो ऐसे क्या करता है, उसका बेबी को फेंक देता है अंदर से, अगर नेस्ट बास्केट से फेंक देता है। और अगर आप ज़्यादा करके मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हो तो यूज़ करते हो तो इस ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, उसका एक गिरा देगा और बच्चे रहेगा तो उसको भी फीड नहीं करेगा, गिरा देगा। तो इसका जो कारण है, बर्ड्स फीड से ब्रीडिंग मूड में आता है। ये पता है ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन के यूज़ करने से होता है। कभी कभार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बच्चे हो जाने के अंडे दे देने के बाद भी हम लोग मल्टीविटामिन और कैल्शियम यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को तब देखने को मिलता है जो उसको बच्चे को गिरा दे रहा है, अंडे को फेंक दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना होगा जो ब्रीडिंग के पहले, जब अंडे दे देगा उसके पहले मल्टीविटामिन और कैल्शियम का कोर्स करवाइए। जब ब्रीडिंग में आ जाएगा तब सिर्फ आप बी कॉम्प्लेक्स का यूज़ कर सकते हो, उससे उसके अलावा कोई भी वाइमिरल या रिकोविट जो जिसमें ब्रीडिंग सप्लीमेंट रहता है ये आप यूज़ ना करें तो अच्छा है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पहले समझना है बच्चे क्यों सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा कारण रह सकता है, अगर हो सकता है जो वो खाना हजम नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए आप उसको पॉटी लग रहा है, डायरिया लग रहा है तो उसके बाद वो मर जा रहा है, ये भी हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम होगा तो आप न्यूपेप्टाइन यूज़ कर सकते हो जब बच्चे निकलेगा। और अगर देख रहे हो आपका बच्चा सूख के मर जा रहा है तब आप बी कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हो। बी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, उसका जो इंटरनल जो इम्यूनिटी पावर रहता है ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो बर्ड्स बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, और आपको जब बच्चे निकलेगा तब आप सॉफ्ट फूड ज़्यादा करके यूज़ कीजिए। तो सॉफ्ट फूड हरदम ही यूज़ करना चाहिए, और जब बच्चे निकलेगा तब आप थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज उसको बढ़ा दीजिए सॉफ्ट फूड, तो इससे क्या होगा आपका जो बच्चे होगा उसको डेथ होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कौन सा वीडियो में चाहिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हो, मेरे फेसबुक का पेज का नाम है बर्ड्स वर्ल्ड हाउरा। ठीक है, आप जाके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।